सो हेलो एवरीवन, आज मैं सबसे पहले ओटी में आ गया और ये हाय करते हुए मेरे दोस्त, ये देख लो सबसे पहले तैयार वैयार होके खड़ा हूँ और ये सब यहीं पे खड़े हैं, अभी तैयार भी नहीं है, आज ये थोड़ा सा लेट आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यही तो सुख है दोस्तों को चिढ़ाने का। और लेट मी शो यू मैं कैसा लग रहा हूँ, और ये देख लीजिए आज की मेरी लुक। और अब लोग हाथ जोड़ के खड़े थे कि नितिन आएंगे और काम करवाएंगे और यहाँ और सब मेरे लिए ही वेट कर रहे थे। मैं गायनी में जाके काम करूँ, आई में जाके काम करूँ, या सही जाने चीज़ है। और हम फिर चल पड़े क्लास लेने के लिए, क्लास की ओर। ये अंकित सुंदर कन्या देखते ही भाग गया, उसे हमने बुलाया और कहा उधर नहीं जाना भाई, और उसे सब ने समझाया। तन्नू का ज्ञान पूरा होते ही फिर उसने कहा चलो मैं तुम्हें डांस दिखाती हूँ, तब तक लिफ्ट नहीं आती। और तनु ने किए स्टेप, और ये स्टेप देखते ही देखते सबका मूड खराब हो गया। हम सब तो कोई ना कोई सहन कर रहे थे, कोई बात नहीं तनु हमारा भाई है, पर ये सब ऋतिक से सहन ना हो पाया, हम सब ने काफ़ी इग्नोर करने की। और जैसे ही हम नीचे गए हमारे स्वागत की तैयारी हो चुकी थी, हर दूधी को पता लग चुका था कि भंडारा है। यहाँ से हमको अंदेशा होते हुए और ये देखते ही ऋतिक के चेहरे पर स्माइल, हम भी औरों के साथ चल पड़े। हमने देखा कि आगे और भी अन्य लोग हैं, लगता है पूरे कॉलेज में खबर फैल चुकी है। तभी तन्नु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसने सोचा क्यों नहीं ऋतिक की सेटिंग करवा दूं, और ये सुनते ही ऋतिक खुश हो गया। और फिर हम चल पड़े भंडारे की ओर, और वहाँ देखा एक व्यक्ति चद्दर टाँग के सो रहा है, और सबसे आगे बैठते हुए अंकित ने सोचा सबसे पहले मुझे ही परोसा जाएगा, फिर बाद में पता चला ये तो क्लास है। और हिमांशु की तबीयत खराब हो गई ये सुनते ही, और हिमांशु ने सोचा अब जीवन कैसे कटेगा, ये तो ना होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। और इसी के बाद हमने देखा कि हमारे दूसरे बैचमेट जैसे कि हमारा भाई ऋतिक बिल्कुल उदास बैठा हुआ, और तनु उसको सांत्वना दे रही है, कोई नहीं भाई तेरी सेटिंग मैं करवाऊंगी, तो चिंता मत कर, मैं हूँ यहाँ पे, अच्छे से करवाऊंगी तेरी सेटिंग, चिंता मत कर। और ये बात सुनते ही सब एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, और ऋतिक बहुत मन ही मन मुस्कुराने लगा, और तनु भी। और फिर सिमरन ने याद दिलाया कि उस लड़की की तो पहले से ही सेटिंग है, दो दो इतनी बड़ी बड़ी सेटिंग है उसकी। तो फिर तनु ने कहा ये सब बातें बताई नहीं जाती पगली। फिर तनु थोड़ा सा उदास हो गई, उसने देखा कि उसके बचपन की फ़ोटो सामने पोस्टर के रूप में लगा रखी।